3D प्रिंटिंग में काफ़ी मटेरियल्स होते हैं जिनके अलग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस होते हैं। FDM 3D प्रिंटिंग में जो मटेरियल्स होते हैं वो फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, और आज हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉप 3 फिलामेंट्स के बारे में देखेंगे। सो वेलकम टू रीथडिफाइन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं बता दूँ, ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। FDM 3D प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग टेक्निक है जहाँ फिलामेंट को मेल्ट करके XYZ स्पेस में डिपॉजिट करके मॉडल बनाया जाता है। फिलामेंट बहुत सारे मटेरियल्स में मिलता है, बट सबसे कॉमनली यूज होने वाले मटेरियल्स है PLA, ABS एंड PETG। तो आज हम इन्हीं 3 मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि कोई इन फिलामेंट्स को क्यों यूज़ करता है और क्यों नहीं यूज़ करता। चलिए स्टार्ट करते हैं PLA से। PLA स्टैंड्स फॉर पॉलीलैक्टिक एसिड। ये मोस्ट यूज होने वाला मटेरियल है एंड सभी FDM 3D प्रिंटर्स का ये एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग मटेरियल होता है। पॉलीलैक्टिक एसिड या PLA एक थर्मोप्लास्टिक मोनोमर है जो रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे शुगर केन, कॉर्न स्टार्च से बनता है। PLA प्रोडक्शन अदर मटेरियल से कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो PLA कैसे बनाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कॉर्न, शुगर केन को फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में इनके शुगर्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइजेशन करके पॉलीलैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इस पॉलीलैक्टिक एसिड को पैलेट फॉर्म से एक्सट्रूडर से फिलामेंट में कन्वर्ट किया जाता है। PLA का प्रिंट टेम्परेचर होता है 180 टू 230 डिग्री सेल्सियस, और PLA प्रिंट करने के लिए उसका बेड टेम्परेचर 20 डिग्री टू 60 डिग्रीज के बीच में होना चाहिए। तो क्यों PLA सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है? नंबर 1 इज प्रिंटेबिलिटी। PLA प्रिंट करना बहुत ईजी होता है, ऑलमोस्ट हर 3D प्रिंटर में वो ईजीली प्रिंट हो जाता है। इसके लिए नोजल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लगता, 185 डिग्रीज टू 210 डिग्रीज के बीच में ये इजीली प्रिंट करता है। इसके लिए हीटेड बेड कंपलसरी नहीं होता, मतलब लो कॉस्ट प्रिंटर्स जिनमें हीटेड बेड अवेलेबल नहीं है उनमें ये प्राइमरी एंड ओनली मटेरियल होता है। इसके लिए एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होने की ज़रूरत नहीं होती जिससे ये वॉर्प नहीं होता। नंबर 2 इज़ सरफेस क्वालिटी। एस्थेटिक प्रिंट्स के लिए ये परफेक्ट मटेरियल है क्योंकि इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है और सरफेस फिनिश में भी ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। नंबर 3 इज़ लो कॉस्ट। ये एक इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, प्रोबेबली द चीपेस्ट प्रिंटिंग मटेरियल्स, और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। नंबर 4th इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिसेंट होते हैं और ये लो स्ट्रेस प्रोटोटाइप्स या एस्थेटिक मॉडल के लिए अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5 इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, ये बायोडिग्रेडेबल है अंडर सूटेबल कंडीशंस। सो ये थे PLA के एडवांटेजेस। तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? नंबर 1, लो वर्किंग टेम्परेचर, क्योंकि इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है, बिटवीन 50 डिग्रीज टू 80 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। इसलिए ये हायर टेम्परेचर पर इसके एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, हाई हीट में ये डिफॉर्म हो जाता है। नंबर 2, ये एक ब्रिटल मटेरियल है जो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट होने पर ब्रेक हो सकता है। नंबर 3 है, ये हाईली परमिएबल होता है कंपेयर टू अदर प्लास्टिक्स, इसीलिए मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इसमें इजीली पास हो सकता है। नंबर 4, ओवर टाइम ये मटेरियल डिग्रेड होता है, सो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। नंबर 5th, सनलाइट के एक्सपोजर में ये उतना अच्छा सस्टेन नहीं कर पाता। सो इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है फॉर जनरल यूज़। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकेंड मटेरियल की ओर, जो है ABS। ABS स्टैंड्स फॉर एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन। ABS एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए ये प्राइमरी मटेरियल होता है। ये मटेरियल लेगो, इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग, कार बम्पर पार्ट्स के लिए यूज़ होता है।
3D प्रिंटिंग में यूज किया गया ये अमंग द फर्स्ट मटेरियल था। ABS का प्रिंट टेम्परेचर 210 टू 250 डिग्रीज के बीच में होता है और ABS के लिए बेड टेम्परेचर 80 डिग्री टू 110 डिग्रीज लगता है। सो ABS के क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर वन, ABS PLA से टफ होता है और लेस ब्रिटल होने के कारण ये रिपीटेटिव लोड्स PLA से बेटर हैंडल कर सकता है। नंबर टू, ABS प्रैक्टिकल प्रिंट्स के लिए अच्छा है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस। नंबर थ्री, ABS को एसीटोन वेपर बाद से वेपर स्मूदिंग किया जा सकता है टू गिव इट अ स्मूथ फिनिश जस्ट लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग। बट इन सब एडवांटेजेस होने पर भी ये PLA से लेस पॉपुलर क्यों है? इस मटेरियल के काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे नंबर वन, ABS के लिए हीटेड बेड कंपल्सरी होता है और उसका टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, जनरली अबाउट 85 डिग्रीज। अगर हीटेड बेड नहीं होता तो प्रिंट के बेस वॉर्प होने के चांसेस बढ़ जाता है और इन मोस्ट केसेस आपके प्रिंट का जो बेस है वो बेड से निकल जाता है और प्रिंट फेल हो सकती है। नंबर टू, इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसे प्रिंट करने के लिए एम्बियंट टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसीलिए ABS यूजुअली एनक्लोज प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है जिसमें एम्बियंट टेम्परेचर हाई मेंटेन रखा जा सकता है। अगर एम्बियंट टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो प्रिंट का लेयर एडिशन ठीक से नहीं होता जिससे वो मिड प्रिंट वॉर्प हो सकता है। नंबर थ्री, ABS का और एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसे प्रिंट करते वक्त फ्यूम जनरेट होता है जो PLA से हार्मफुल होते हैं, इसलिए उसके लिए वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। एंड नंबर फोर्थ प्रॉब्लम इज, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके वजह से ये एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल है। सो ये था ABS, उसके एडवांटेजेस और PLA और उसके डिसएडवांटेजेस। फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट मटेरियल की तरफ जो है PETG। PETG मतलब ग्लाइकोल मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। PET इज पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट और एंड का जो जी है उसका मतलब होता है इसमें एक ग्लाइकोल मॉलिक्यूल को ऐड किया गया है। PET प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है और इसे प्रिंटेबल बनाने के लिए ग्लाइकोल मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। PETG का नोजल टेम्परेचर 220 डिग्री टू 250 डिग्रीज के बीच में होना चाहिए और इसके लिए बेड टेम्परेचर 50 टू 70 डिग्रीज लगता है। PETG ये PLA और ABS दोनों के अच्छे प्रॉपर्टीज़ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर वन, इसकी स्ट्रेंथ ABS से हायर है इसलिए आजकल फंक्शनल प्रोटोटाइप प्रिंट्स के लिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। नंबर टू इज, इसका प्रिंटेबिलिटी ABS से काफ़ी इजी है एज कंपेयर टू ABS। एंड थर्ड है, इसका केमिकल रेजिस्टेंस हाई होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल मॉलिक्यूल। तो बट PETG के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। नंबर वन, इसमें प्रिंट करते वक्त काफ़ी स्ट्रिंगिंग होती है, आप चाहे लाइक कितना भी प्रिंट सेटिंग्स को एडजस्ट कर लो तो एटलीस्ट सम स्ट्रिंगिंग तो होने ही वाली है। नंबर टू, PETG में प्रिंट करते वक्त PETG स्ट्रिंग्स नोजल को स्टिक हो जाता है जो बाद में क्लीन करना पड़ता है। नंबर थ्री, ब्रास नोजल के साथ PETG यूज़ करते वक्त नोजल क्लॉग भी काफ़ी हो जाता है। नंबर फोर्थ, PETG प्रिंट करते वक्त ये नोजल पे डिपॉजिट हो जाता है जो बहुत इरिटेटिंग हो सकता है और प्रिंट्स को अफेक्ट कर सकता है। सो कौन सा मटेरियल आपके लिए सूटेबल है वो आप शायद इस वीडियो से पता कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।